है हेयर सीरम के बारे में ना, हेयर सीरम काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं एंड लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। बट आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हेयर सीरम क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह से लगाना चाहिए, कौन से हेयर सीरम मार्केट में है। मैं आपको 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सीरम दिखाऊंगी फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स अलॉन्ग विद देयर प्राइसेस, कि इनकी कॉस्ट कितनी है एंड किस तरह से सही तरीके से हेयर सीरम को बालों पे लगाते हैं। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज हेयर सीरम। नाउ हेयर सीरम इज एक मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट होता है, क्योंकि हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू से हमारे बाल में के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो चले जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एंड हमको उनको दोबारा से मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली हॉट एंड ड्राई रहता है, सो उसकी वजह से मोस्टली पीपल हैव फ्रीजिंग हेयर प्रॉब्लम एंड ड्राई हेयर भी हो जाते हैं। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीरम। नाउ सीरम को यूज़ किया जाता है शैम्पू करने के बाद, एंड जब आप फ्रेशली शैम्पू करते हैं या कंडीशनर लगाते हैं उसके बाद आप सीरम लगा सकते हैं ऑन योर हेयर। नाउ हेयर पे भी कब लगाना चाहिए, व्हेन दे आर, अगर ड्राइड हेयर भी है तो भी आप लगा सकते हैं। एंड सीरम भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आते हैं। नाउ कमिंग टू सीरम, आप उसको ड्राई हेयर पे लगा सकते हैं या फिर स्लाइटली वेट बाल जब होते हैं टॉवल ड्राइड हेयर पे भी लगा सकते हैं, या फिर जब बाल थोड़े से गीले होते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, सो दैट कि वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए बालों में एंड फिर उसके बाद बाल आपके ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी ना रहे। स्पेशली लगाया जाता है फ्रॉम मिड एंड टू मिड लेंथ से लेके एंड तक के लगाया जाता है, रूट्स पे टच नहीं करते हैं सीरम को। नाउ मैनी पीपल ये सोचते हैं कि सीरम को क्या लगा के रखना है या फिर धो देना है। सो सीरम इज सच अ काइंड ऑफ थिंग जो आपको सिर्फ लगा के रखना होता है, उसको धोना नहीं होता है। सो इट स्टेज ऑन योर हेयर टिल आप नेक्स्ट हेयर वॉश नहीं करते हैं, थोड़ा ही क्वांटिटी में लेते हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स लीजिए, हाथों में रख करिए, देन आप अपने बालों के मिड एंड से एंड्स तक लगा सकते हैं। सीरम को यूज़ करने के लिए आप सीरम को एवरी डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट डे, इट्स ऑल अप टू यू आपके बालों को कब ज़रूरत है। एंड इवन अगर आप बालों को स्टाइलिंग कर रहे हैं तो भी आप स्टाइलिंग से पहले भी लगा सकते हैं एंड स्टाइलिंग करने के बाद भी लगा सकते हैं। सो आप कभी हेयर टूल भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप हेयर टूल यूज़ करने से पहले लगा सकते हैं एंड हेयर टूल लगाने के बाद भी हेयर सीरम को लगा सकते हैं। इवन फॉर ओवरनाइट ट्रीटमेंट के लिए भी हेयर सीरम आप ड्राई लगा सकते हैं, सो रात में लगा के सो सकते हैं एंड मॉर्निंग में आपके बाल फ्रिजी नहीं रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो सम टिप्स। नाउ कमिंग टू 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरम, मेरे पास है सबसे पहला है मेरे पास है लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम, फॉर ये है फॉर ऑल हेयर टाइप। नाउ ये जो सीरम है इसको आप 5 डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू से पहले लगा सकते हैं, बालों को सूखने से पहले लगा सकते हैं और स्टाइलिंग से पहले लगा सकते हैं एंड फिनिशिंग टच देने के लिए बालों पे लगा सकते हैं एंड फॉर ओवरनाइट ट्रीटमेंट ऑल्सो आप इसको लगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट भी जो मेरे पास है ये भी लॉरियल प्रोफेशनल का ही है और ये है सीरी एक्सपर्ट। नाउ ये जो है ये वाला सीरम है फॉर एब्सोल्यूट रिपेयर के लिए, नरिशिंग सीरम है एंड जो सीरम होते हैं वो हेयर को नरिश करते हैं, हेयर एंड्स को स्पेशली। सो इसको भी आप हेयर वॉश के बाद लगा सकते हैं ऑन अ स्लाइटली वेट हेयर और या फिर आप एवरी डे भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो ये सीरी एक्सपर्ट है फ्रॉम लॉरियल। नाउ नेक्स्ट जो सीरम है वो भी मेरे पास लॉरियल का ही है, ये लॉरियल प्रोफेशनल का एक्सटेंसो केयर सीरम है। नाउ दिस इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रेट हेयर, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं एंड आप बाल चाहते हैं आपके बाल स्ट्रेट रहे, मैनेज रहे तो भी आप इसे लगा सकते हैं। एंड इवन आपने अपने सलोन में जाके बालों को स्ट्रेट कराया है देन ऑल्सो आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है लीवॉन सीरम। नाउ दिस इज अ कॉमन सीरम जो बहुत पहले से बहुत लोगों के पास होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो अ सीरम जो आप ट्राई कर सकते हैं एंड दिस ये इसको भी आप अपने बालों को टैंगल हटाने के लिए, सुलझाने के लिए भी आप इसको स्लाइटली वेट हेयर पे लगा सकते हैं एंड इवन ऑन ड्राई हेयर ऑल्सो आप इसको लगा सकते हैं। देन कमिंग टू मेरे पास नेक्स्ट जो सीरम है वो मैट्रिक्स बायोलॉज का स्मूथ प्रूफ सीरम है, ये भी 6-in-1 प्रोफेशनल सीरम है एंड दिस इज ऑल्सो क्वाइट मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग। एंड ये जो सीरम है ये फॉर स्मूथ हेयर के लिए है एंड फ्रिजी कंट्रोल के लिए है।
तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, डीप स्मूथनिंग सीरम है ये। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास ये है मामा अर्थ का अनियन हेयर सीरम विद अनियन एंड बायोटिन। दिस इज रियली अ नाइस सीरम, हल्का सा क्रीमी टेक्सचर है, सो आप ट्राई करके देख सकते हैं। आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है इसको यूज़ करना। नाउ दिस, ये जो सीरम है ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल हेयर टाइप, तो आपके पास कैसे भी है तो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ लास्ट में मेरे पास है मैट्रिक्स का ऑप्टीलॉन्ग नरिश प्रोटेक्ट, ये प्रोफेशनल नरिशिंग लीव इन क्रीम है। नाउ दिस इज नॉट अ सीरम, ये है क्रीम फॉर्म में। नाउ क्रीम ये भी एक काइंड ऑफ अ सीरम ही काम करता है, सो इसको भी आप थोड़ा सा हाथों में लेके रब करके एंड्स पे लगा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ मॉइस्चराइजिंग लीव इन क्रीम, सो इसको लीव रखना है, इसको लगा के रखना है, इसको धोना नहीं है, थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है और बालों में लगा लेना है। सो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, दिस इज़ विथ सेरामाइड्स। सो अगर आप अभी तक सीरम नहीं ट्राई करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट यूजिंग इट बिकॉज इट विल रियली मेक अ डिफरेंस। एंड आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा रफ एंड फ्रिजी हैं एंड्स में, तो आप वहाँ पे लगाने से बालों को नरिशमेंट मिलती है, मॉइस्चराइजेशन मिलता है, जिससे स्प्लिट एंड्स एंड फ्रिजीनेस एंड बालों की जो ड्राइनेस है उसको कंट्रोल होने में मदद होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है दिमाग में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है एवरीवन, बाय।